इन्वेस्टर्स ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम निफ्टी 50 के चार्ट को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। आज का डेट है 31 जनवरी 2021 और अगर हम देखेंगे तो मंथ एंड हो चुका है जनवरी का और ये जो रेड कैंडल बेरिश कैंडल आपको दिख रहा है ये मंथली कैंडल है जिसका पूरी तरह से फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है लगभग उसके जैसा। उसी के साथ आपको इस मंथली चार्ट पे एक येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है जो कि एक सपोर्ट है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक हाई बनाया था जो कि 12,400 और उसके बाद हमें शार्प डाउनसाइड रैली देखने को मिली थी। उसी के साथ इस मंथली चार्ट पर 11,473 से 7,092 का एक रेंज का मंथली डिमांड जोन है जो कि अभी भी बहुत दूर है क्योंकि जो निफ्टी 50 है वो 13,634 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे मींस वीकली चार्ट पे किस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके यहां पर एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी भी निफ्टी 50 का मंथली ट्रेंड अप है और उसी के साथ वीकली ट्रेंड भी अप है। ये जो येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ये मंथली चार्ट से आ रहा है, उसी तरह से ये जो रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का ये भी मंथली चार्ट से आ रहा है। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे मींस डेली चार्ट पर और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट अगर आपने निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ ये अगर ब्रेक हो जाता तो निफ्टी का जो डेली ट्रेंड है वो डाउन हो जाएगा और निफ्टी शार्प डाउनसाइड रैली हमें निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो एज पर एनालिसिस हमने देखा कि यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ ऑन डेली चार्ट पे और उसके बाद निफ्टी ऊपरी लेवल पे यानी कि इसके ऊपर 14,650 के ऊपर ऑन डेली बेसिस पे किसी तरह से सस्टेन नहीं कर पाया, हमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद शार्प फॉल हमें देखने को मिला लगभग 13,634 तक। चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि हम पूरा सिनेरियो यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये वीकली चार्ट से आ रहा है और ये डेली ट्रेंड लाइन है और यहां पर देखिए ये जो एक प्रीवियस हाई था जिसके ब्रेक होने के बाद हमने देखा कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 500 का ये जो एक फॉल वन डे के ट्रेडिंग सेशन में आया था तो लगभग यहीं पे 13,158 पे सपोर्ट इसने लिया और उसके बाद एक फिर से नई शार्प रैली हमें अपसाइड देखने को मिली थी। जैसे कि हमने देखा कि वीकली ट्रेंड अप है, मंथली ट्रेंड अभी भी अप है, उसी के साथ इस डेली चार्ट को अगर हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है जो कि लगभग 13,462 से लेकर तो 13,196 का है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही प्राइस इस डेली डिमांड जोन में आता है तो उसे यहाँ पे तीन चीजों का सपोर्ट मिलेगा, फर्स्ट डेली डिमांड जोन, सेकेंड वीकली ट्रेंड लाइन और थर्ड ये सपोर्ट प्राइस जो कि 13,147 के आसपास है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आए अगर आपको निफ्टी 50 को बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 13,190 से लेकर तो 13,130 तक और आपका स्टॉप लॉस लगभग इसके 13,120 या 25 यानी 5 टू 10 रुपीस का स्टॉप लॉस के साथ में आप निफ्टी 50 को यहाँ से बाय कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रीवियस टू डेज का डेली चार्ट पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ जो कि क्लियर कट हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है तो इस डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस देखने को मिल सकता है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ बेरिश इनगल्फिंग का भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा तो हमें बजट और उसके दूसरे दिन
मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वो वोलेटिलिटी इस तरह से होगी कि प्राइस शार्पली इस डिमांड जोन में आएगा, यहाँ से उसे बाउंस बैक हमें आता हुआ दिखेगा लगभग 13,847 तक, और फिर से एक डाउन साइड रैली भी देखने को मिल सकती है अगर ये डेली डिमांड जोन ब्रेक होता है, या फिर जो मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर एक सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये जो निफ्टी 50 का डेली डिमांड जोन ब्रेक होता है और इस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे ऑन वीकली चार्ट पे या फिर डेली बेसिस पे 2 या 3 डेज तक कंटिन्यू हमें कोई फॉल देखने को मिलता है, क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो फिर निफ्टी एक डाउन साइड शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा 12,400 पे, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हमें 11,465 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डेली डिमांड जोन है, और इस डेली डिमांड जोन में आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है ये हमें देखना होगा। तो ये था निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।